गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्र। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। द टॉपिक इज व्हाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। This topic I have taken from class 9th, chapter 10, flotation. बहुत ही important topic है और 3 marks का ये question आपके final exam में examiner पूछता है। तो question आप मेरे back screen पर देख पा रहे हैं। The question is, why the object float or sink when placed on the surface of water? कि जब एक ऑब्जेक्ट को वाटर की सरफेस पे रखा जाता है तो बहुत बार आपने देखा होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करता है, मींस तैरने लगता है। और बहुत केसेस में आपने ये भी देखा होगा कि जब आप उस ऑब्जेक्ट को या कोई भी अनदर ऑब्जेक्ट है उसे जब आप वाटर की सरफेस पे रखते हो तो वो डूब जाता है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, मींस सरफेस पे तैरेगा, और कौन सा ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा, मींस वाटर के अंदर डूब जाएगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक टर्म समझेंगे, दैट इज डेंसिटी। Now, what is density? Density is mass of a unit volume. Density का मतलब होता है mass of a unit volume. Means अगर एक छोटे से volume की मैं बात करूं, suppose this is the unit volume cube. तो अगर इसके अंदर ज्यादा मास कंसंट्रेट है तो डेंसिटी ज्यादा है। अगर एक छोटे से वॉल्यूम में ज्यादा मास पड़ा हुआ है तो डेंसिटी ज्यादा है। अगर एक छोटे से वॉल्यूम में कम मास प्रेजेंट है तो डेंसिटी कम है। दोबारा सुने, डेंसिटी होती है आपकी मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम। अगर एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर, जैसा कि मैंने यहां शो किया, अगर ज्यादा मास प्रेजेंट है तो डेंसिटी ज्यादा है, और अगर छोटे से वॉल्यूम के अंदर कम मास प्रेजेंट है तो डेंसिटी कम है। अब आप एक चीज को समझ लें, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर के ऊपर रखोगे तो मैंने कहा कि आप ऑब्जर्व करोगे कि या तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, तैरेगा वाटर की सरफेस पे, या फिर वो डूब जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे दो ऑब्जेक्ट ले रहा हूं। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसको मैं कॉर्क का नाम दे रहा हूं, एंड दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्ट जिसको मैं एक मेटालिक बॉल कह रहा हूं, मेटालिक बॉल, एंड दिस इज द बीकर। ये वो बीकर है जिसके अंदर हमने वाटर को रखा हुआ है। सपोज दिस इज द बीकर एंड इट इज टू बी फुल ऑफ वाटर। अब हम क्या करेंगे, इस बीकर के अंदर जिसके अंदर ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को वन बाय वन रखेंगे। तो आप देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट वाटर की सरफेस के ऊपर तैरने लगेगा, मींस इट विल फ्लोट, और एक ऑब्जेक्ट वाटर की सरफेस के ऊपर सिंक हो जाएगा, मींस वाटर के अंदर सिंक हो जाएगा, मींस डूब जाएगा। जैसे कि सबसे पहले मैं इस कोर्क को रखता हूं। जैसे ही मैंने इस कोर्क को इसके अंदर रखा तो आपने देखा कि ये कॉर्क इस वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करने लगी।
और जैसे ही मैंने इस मेटेलिक बॉल को इसके अंदर ड्रॉप किया तो ये मेटेलिक बॉल इसके अंदर सिंक हो गई। यही हमारा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ कि जो कॉर्क थी वो तो वाटर की सरफेस पे तैरने लगी, डूबी नहीं, वो फ्लोट कर रही थी, और जो मेटेलिक बॉल थी वो वाटर के अंदर डूब गई। बड़े ध्यान से समझें ऐसा क्यों हुआ। अभी मैंने आपसे एक टर्म डिस्कस की थी, डेंसिटी। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम। मींस अगर एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर अगर ज्यादा मास प्रेजेंट है तो बेसिकली डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और अगर एक छोटे से वॉल्यूम में कम मास प्रेजेंट है तो डेंसिटी कम होगी। कहीं ना कहीं फ्लोटेशन और सिंक का कंसेप्ट इस डेंसिटी से रिलेटेड है। अगर अब जी जो वाटर है इसकी डेंसिटी है मान लेते हैं रो, कोर्क जिस सब्सटेंस का बना हुआ है उसकी डेंसिटी है मान लेते हैं रो 1, मेटेलिक बॉल जिसकी बनी हुई है उसकी डेंसिटी है मान लेते हैं रो 2। तो याद रखना हर वो ऑब्जेक्ट वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी, और हर वो ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर डूब जाएगा जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी। तो जब हम मेटेलिक बॉल के केस की बात करते हैं तो मेटेलिक बॉल की जो डेंसिटी है वो ग्रेटर देन है किससे, वाटर की डेंसिटी से, इसीलिए ये सिंक हो जाता है। और जब हम कोर्क की बात करते हैं तो इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है इसलिए ये फ्लोट करता है। लेकिन क्या इतना ही कहना सफिशिएंट होगा? नहीं, इसके अलावा भी एक ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक करते हैं। अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको डेंसिटी के बारे में बताया कि अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो सिंक कर जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो वो फ्लोट करेगा। तो कोर्क फ्लोट क्यों कर रही थी? क्योंकि कोर्क की डेंसिटी मैंने मान ली थी से रो 1, वो डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या थी, कम थी, और जो मेटेलिक बॉल है उसकी डेंसिटी मैंने मानी थी रो 2, वो वाटर की डेंसिटी से ज्यादा थी तो वो सिंक कर गई। लेकिन सिर्फ डेंसिटी ही अपने आप में एक सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो समझते हैं कि एक और कौन सा फैक्टर्स है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक करते हैं। वो है आपका बायोन्ट फोर्स। बायोन्ट फोर्स मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था। जब बायोन फोर्स क्या है एक बार दोबारा सुन ले, जब आप किसी भी बॉडी को वाटर के अंदर इमर्स करते हो चाहे वो फुली हो चाहे पार्शली, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करते हैं। तो दिस अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट When it is to be fully or partially immersed inside the water, that is called upthrust or that is called buoyant force. ये मैंने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस भी किया था। तो कोर्क के केस में क्या हो रहा था, जब कोर्क को वाटर के अंदर डिप किया गया तो इसने एक फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी महसूस किया एंड दैट विल बिकम इक्वल टू इट्स वेट। मैं कहता हूँ इसका मास है m1, दैट इज जी। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द कोर्क ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको मैं W का नाम दे रहा हूं, से W, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द कोर्क, एक्टिंग ऑन द कोर्क।
मैं इसको कह देता हूं से W, दैट विल बिकम इक्वल टू एम वन इंटू जी। जब इस कोर को इस वाटर में रखा गया तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इसके ऊपर, कोर के ऊपर एक दैट विल बिकम इक्वल टू इट्स वेट, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। लेकिन बायोन फोर्स जो था एफ बी, वो इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। तो कोर क्यों तैर रहा था? क्योंकि जो बायोन फोर्स था एफ बी था, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन थी किससे? डब्ल्यू से, दैट विल बिकम इक्वल टू एम वन इंटू जी। मीन्स दैट इज एफ बी इज ग्रेटर देन फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द कोर। कि जब कोर को इस वाटर के अंदर डिप किया गया तो कोर नहीं डूबा, इट विल फ्लोट। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इसके ऊपर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी था दैट इज एम वन इंटू जी, इसकी वैल्यू जो अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर बायोन फोर्स लगा रहे थे उससे कम थी। मींस बायोन फोर्स की जो वैल्यू थी वो इसके वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस से ज्यादा थी, इसीलिए तो ये क्या कर रहा था? फ्लोट कर रहा था। अब ये बायोन फोर्स क्यों ज्यादा लग रहा था इसके ऊपर? बिकॉज ऑफ देयर डेंसिटी। क्योंकि जो डेंसिटी होती है कोर की वो लेस देन होती है किससे? डेंसिटी ऑफ द वाटर से, इसलिए ये फ्लोट करता है। लेकिन जब हम मेटेलिक बॉल की बात करते हैं तो मेटेलिक बॉल भी जब इसके अंदर डिप की गई तो इसके ऊपर भी एक फोर्स लगा ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज एम टू इंटू जी। और सेम ही टाइम अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा जिसको मैंने बायोन फोर्स कहा। लेकिन मेटेलिक बॉल के केस में क्या हो रहा था? मेटेलिक बॉल कि जो फोर्स था ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द मेटेलिक बॉल, जिसको मैं W डैश कह देता हूं, दैट इज M2 इंटू जी, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन थी किससे? बायोन फोर्स से। बायोन फोर्स जिसको मैंने FB कह दिया, इस केस में जो W डैश था दैट इज M2 इंटू जी, जिसको हमने फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहा, वो ग्रेटर देन था किससे? बायोन फोर्स से। तो जब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ग्रेटर देन हो जाएगी बायोन फोर्स से, तो वो बॉडी डूब जाएगी। अब इसमें जो बायोन फोर्स की वैल्यू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी से ज़्यादा थी इसलिए ये फ्लोट कर रहा था, इसमें बायोन फोर्स की वैल्यू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द मेटेलिक बॉल से कम थी इसलिए ये सिंक कर गया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? दैट इज ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ दीज टू मेटेलिक बॉल्स इन टर्म्स ऑफ देयर डेंसिटी। जो कोर थी इसकी डेंसिटी, पहली बात, मेटेलिक बॉल की डेंसिटी से कम है। सेकंड, कोर की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी तो उसके ऊपर जो बायोन फोर्स लगेंगे उसकी वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो इस केस में जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेंगे उसकी वैल्यू कम होगी, तो वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। इसीलिए तो कोर जो था वो फ्लोट कर रहा था और जो मेटेलिक बॉल थी वो सिंक कर रही थी। अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें तो हर वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा पहला जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी, दूसरा जिसके ऊपर लगने वाले बायोन फोर्स की वैल्यू ग्रेटर देन होगी वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट से। मींस एफबी की वैल्यू ग्रेटर देन होगी, जब उसको डिप किया गया तो उसने कितना वाटर डिस्प्लेस किया, दैट विल बिकम इक्वल टू द
एम वन इंटू जी उससे। दूसरा, हर वो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा पहला जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी, दूसरा अगर उसके ऊपर लगने वाले बायोंट फोर्स की वैल्यू लेस देन है किससे, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो कि उसका वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस था एम टू इंटू जी, अगर उस बायोंट फोर्स की वैल्यू एम टू इंटू जी से कम है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक हो जाएगा। सो दिस इज द आर्टिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था जिसमें आज हमने सीखा कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं और ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो वाटर की सरफेस के ऊपर सिंक हो जाते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाई द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड व्हाई द ऑब्जेक्ट सिंक्स ऑन द इनसाइड द वाटर। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, इसीलिए आज मैंने आपके साथ इसको डिस्कस किया। जल्दी ही इसका वीडियो मैं आप तक शेयर भी कर दूंगा। सो एट लास्ट माई डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माई वीडियोज, लाइक माई वर्क, लाइक माई एफर्ट, देन प्लीज़ प्लीज़ डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। माई चैनल इज PEC अकेडमी कुरुक्षेत्रा। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। माई चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्रा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय गुरु जी।